जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चित्रगुप्त पूजा और कथा का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक का त्याग करना पड़ा। मृत्यु उपरांत और जीवन से पहले क्या है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा है और ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है जहाँ न जीवन का हर्ष है और न मृत्यु का शोक। वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णु लोक, ब्रह्म लोक और शिव लोक है। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है, जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्म लोक और शिव लोक में स्थान पाता है, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। और जो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाता है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक में यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर यह जीवात्मा कांप उठता है, रोने लगता है, परंतु बड़ी निर्ममता से उन्हें बांध कर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी कारण की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के द्वार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत जीवों के सभी कर्मों को अपने पुस्तक में लिखते रहते हैं। और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचता है तो उनके कर्मों को एक एक कर सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कुर नरक में भेजा जाता है। भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपने योग माया में सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर पुरुष आसीन था। चूंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः ये ब्रह्मा कहलाए। इन्होंने सृष्टि की रचना के कर्म में देव असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री पुरुष, पक्ष पक्षी को जन्म दिया। इस कर्म में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्मानुसार उन्हें देवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ। धर्मराज ने एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यान लीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से शुरू हुआ था, अतः यह कार्यस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।